मैं प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देती हूँ। नई सरकार क्या कहेंगे? और सर 2018 में विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी बने थे उनके अगेंस्ट में आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विचार प्रसार किया, उनको टिकट पार्टी इस बार सर्वे कराएगी या किस आधार पर? सर्वे एक इशारा होता है, पर हम स्थानीय संगठन से चर्चा करते हैं और किसी टिकट में सर्व सहमति नहीं होगी सर, पर मोटा मोटी सहमति हमारा बनाने का प्रयास है। मोटा मोटी सहमति बने, एक दो खत्म कर लो। 5-6 हजार आवेदन आते हैं किस्तों के, सब 5-6 हजार कहते हैं हम जीत रहे हैं। आपने कभी कोई उम्मीदवार हुए जो आवेदन दे रहा है, कभी उसने कहा कि नहीं मैं हार जाऊंगा? सब कहते हैं मैं जीत रहा हूँ, सब जीतने वाले होते हैं। तो हम संगठन से, स्थानीय संगठन से चर्चा करके मोटा मोटा सहमति बनाने का प्रयास करते हैं। जो सत्ता के साथ मिलकर एक कदम चाल कर रहा है, इस पर बहुत सारी टिप्पणी हो गई जो मोहन भागवत जी ने कहा है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। और संगठन जो सत्ताधारी दल के साथ कदम ताल कर रहा है क्या? जो पन्ना का जो संगठन है, यहाँ 5 साल तक कोई विरोध नहीं हुआ, इतना अवैध उत्खनन हुआ, इतना अवैध अत्याचार हुए, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई, कांग्रेस के लोग जीत हुए, जनप्रतिनिधि नहीं जीत पाए, फार्म नहीं भर पाए, कभी विरोध नहीं हुआ, ऐसे संगठन से क्या आ सकता है? देखिए, जहाँ संगठन की मजबूती है, मेरा पूरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में हर जिले में हमारा संगठन मजबूत है, क्योंकि हमारा चुनाव केवल भाजपा से नहीं है, भाजपा के संगठन से। हम मंडल सेक्टर बना रहे और राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। स्वच्छ छवि हम हमेशा स्वच्छ छवि की खोज करते हैं। और ये भी बता दो, ये अवैध खनन की राजधानी बन गई है। सर एक सवाल, देखिए हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया अपने देश को, संविधान के अनुसार चलता है, जहाँ सबके बीच में समन्वय। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, कि मैं बताऊँ कितनी सीटें आएंगी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत दे, कांग्रेस ही जीत जाते हैं, ये अगर भाजपा दुखी है उन लोगों से, वो दुखी है, उनका अंदरूनी मामला है। मेरे पत्रकार साथी अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं, जाके वो मंच के बाजू से सभी से निवेदन है पत्रकार साथी। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाए। साथियों सभी से माननीय कमलनाथ जी मिलने आ रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बाकी लोग बाहर हो जाएं जो मंडल सेक्टर के सदस्य नहीं है। सभी मंडल सेक्टर के अलावा जो भी व्यक्ति बाहरी है वो बाहर चले जाए, मंडल सेक्टर अध्यक्ष नहीं है वो, हाँ सभी से आएंगे बाहर आकर के आप सबसे मिलेंगे। कार्यक्रम अपना है, प्लीज मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि मंडल सेक्टर के अलावा सभी लोग कृपया बाहर चले जाएं। सभी साथी बैठ जाएं अपने स्थान पे। गलत।